हाउ टू क्लीन वॉटर टैंक। अगर आप लंबे समय तक अपने घर की छत पर रखी पानी की टंकी को साफ नहीं करते हैं, ऐसे में उसमें कचरा जमा हो जाता है। इस कारण टंकी से गंदा पानी आता है। इससे नहाते समय, बर्तन धोते समय या कपड़े को साफ करते वक्त हमेशा मटमैला या गंदा पानी पाइप के जरिए आता है। इसके अलावा अगर आप इस गंदे पानी से नहाते हैं, ऐसी स्थिति में आपको कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इस कारण आपको नियमित अपने पानी की टंकी को साफ करते रहना चाहिए। गौर करने वाली बात है कि कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि टंकी को किस तरह से साफ किया जाता है। अगर आप भी इस बारे में नहीं जानते हैं, ऐसे में ये खबर खास आपके लिए है। आज हम आपको एक खास तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपनी टंकी को आसानी से साफ कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। आप फिटकरी की मदद लेकर टंकी में जमे कचरे को आसानी से साफ कर सकते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि टंकी को जब लंबे समय से साफ नहीं किया जाता है, ऐसे में उसके भीतर मिट्टी की परत जमा हो जाती है। आप फिटकरी की सहायता से मिट्टी की परत को आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिटकरी को पहले पानी में अच्छे से घोलना है। इसके बाद जो घोल आपने तैयार किया है, उसको टंकी में कुछ देर के लिए छोड़ देना है। ऐसा करने से टंकी के भीतर जो मिट्टी की परत बन गई है, वह अपने आप निकल जाएगी। मिट्टी की परत निकलने के बाद आपको टंकी की गंदगी को अच्छे से साफ करना है। इस आसान तरीके से आप आसानी से अपनी टंकी में जमी गंदगी को साफ कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। जो आपने फिटकरी का घोल पानी की टंकी में डाला था, वह कुछ देर उसमें रखने के बाद आप किसी बच्चे को जा आप खुद आगे टंकी में जा सकते हो, तो टंकी में जाकर आप एक हल्का ब्रश मारकर उसे साफ कर सकते हैं, क्योंकि फिटकरी से वह पूरी तरह से मिट्टी गल जाएगी और टंकी बहुत जल्दी आसानी से साफ हो जाएगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।